के लिए मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट है, खुशी का एक मोमेंट है। और जमशेदपुर के लिए भी बहुत सुखद है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 7 तारीख को जमशेद जी नौसेवान जी टाटा सारी जन उपयोगी घोषणाएं करने वाले हैं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत जमशेदपुर शहर से करने जा रहे हैं। उसी की कड़ी में राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, सारे मंत्री जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनता की जो एक आशा और उम्मीद है इस सरकार से, उस आशा और उम्मीद को धरातल में लाने का हर संभव प्रयास ये गठबंधन की सरकार कर रही है। उसी के क्रम में जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल जो पूरे कोलाहान का एमजीएम अस्पताल इस कोलाहान के गरीबों का एकमात्र सहारा, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एमजीएम अस्पताल कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार हमारे अधिकारियों के प्रयास, हमारे प्रयास और आप जैसे लोकतंत्र के प्रहरियों के द्वारा समय समय पर एमजीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल के कारण एमजीएम अस्पताल में तत्काल वर्तमान में पहले से कुछ स्थितियां सुधरी हैं, अच्छी हुई हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और आप भी, मैं 500 बेड का एक अत्याधुनिक या आप कहें उसको बहुत विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं, जिसकी कुल लागत अभी 396,69,58,900 रुपया वर्तमान में अभी इसका मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है और संभवतः ये इसमें कुछ और राशि इसमें उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इसमें व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मेडिसिन वार्ड 70 सैया का बनेगा, शिशु वार्ड 40 सैया का, श्वसन रोग 20 सैया, चर्म रोग 20 सैया, मानसिक रोग 20 सैया, सर्जरी 60 सैया, अस्थि रोग 30 सैया, नेत्र रोग 20 सैया, कान नाक गला रोग 20 सैया, बर्न वार्ड 33 सैया, निजी वार्ड 7 सैया, महिला रोग 60 सैया,
आकस्मिक वार्ड 117 सैया, कुल मिला के 500 सैया, जिसमें 246 बेड आईसीयू के भी होंगे। अभी भी आपने देखा होगा